नमस्ते, यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टर्बो मोड के बारे में। इसके साथ जो पावरफुल मोड देखने को मिलता है उसके बारे में ये वीडियो है। तो अगर आप ऑलरेडी एसी यूज कर रहे हो तो आपको यहाँ पर पावरफुल मोड, रैपिड कूलिंग, पावर चिल, टर्बो मोड, फास्ट मोड, हाई पावर मोड, इस नाम से आपको कोई ना कोई बटन रिमोट कंट्रोलर में जरूर से देखने को मिलेगा। इसका काम क्या है एंड किस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो फीचर से काफी इंपॉर्टेंट फीचर है एंड जरूर से इस वीडियो को भी अंत तक देखना एंड पसंद आए तो लाइक भी कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पर पावरफुल मोड, टर्बो मोड, पावर चिल, रैपिड कूलिंग, फास्ट मोड, हाई पावर मोड, ये सभी जो है कूलिंग के रिलेटेड नेम है एंड आपके इसमें कौन सा नाम है आप जरूर से कमेंट करके बताना। एनीवे, तो यहाँ पर टर्बो मोड को एनेबल करने के बाद जो एसी जो है मैक्सिमम कैपेसिटी में काम करता है। तो अगर जो रूम टेम्परेचर है उसे अगर आप जल्दी से रिड्यूस करना चाहते हो तो आप जो है टर्बो मोड को और पावरफुल मोड को एनेबल कर सकते हो। पावरफुल मोड को एनेबल करने के बाद एसी जो है 100% कैपेसिटी में काम करेगा, जो कंप्रेसर है मैक्सिमम कैपेसिटी में काम करेगा, प्लस फैन स्पीड भी यहाँ पर जो है मैक्स हो जाएगा। स्पेशली यहाँ पर समर के टाइम जब टेम्परेचर 42-43 डिग्री सेल्सियस टच करेगा तब आप जो है यहाँ पर इस फीचर को अगर यूज करोगे तो काफ़ी सही रहेगा। टर्बो मोड को एनेबल करने के बाद एसी जो है यहाँ पर मैक्सिमम कैपेसिटी में काम करेगा एंड एसी जो है काफ़ी फास्ट एंड क्विक जो टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर को रिड्यूस कर देगा। तो अगर रूम में ज़्यादा लोग है एंड अगर आप जल्दी से टेम्परेचर को रिड्यूस करना चाहते हो तो आप जो है टर्बो मोड को यूज़ कर सकते हो। टर्बो मोड में जो कंप्रेसर है मैक्सिमम कैपेसिटी में काम करता है, प्लस फैन स्पीड भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा, फैन भी जो है मैक्सिमम लेवल में काम करेगा, प्लस आपको यहाँ पर एयर फ्लो भी ज़्यादा होगा, इंक्रीज एयर फ्लो देखने को मिलेगा क्योंकि जो फैन है मैक्सिमम स्पीड में काम कर रहा है एंड जल्दी से यहाँ पर जो टेम्परेचर है यहाँ पर रिड्यूस कर रहा है। प्लस यहाँ पर अगर आप नॉर्मली पावर चिल मोड और टर्बो मोड और रैपिड कूलिंग को एनेबल करते हो तो जो एसी जो है 16 डिग्री टेम्परेचर जो है यहाँ पर मैच करने की कोशिश करेगा, जल्दी से रूम का जो टेम्परेचर है उसे जो है रिड्यूस करने की कोशिश करता है। एंड अगर आपको कंफर्ट चाहिए एंड क्विकली कंफर्ट चाहिए तो आप जो है ये जो पावरफुल मोड है इसे यूज कर सकते हो। स्पेशली यहाँ पर समर के टाइम जो है काफ़ी सही रहेगा अगर आपको जल्दी से रूम का जो टेम्परेचर है उसे रिड्यूस करना है तो। नाउ यहाँ पर पावरफुल मोड और टर्बो मोड के साथ जो है यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ को ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर जो भी टेम्परेचर है मान लेते हैं पर 16 डिग्री टेम्परेचर रीच करने के बाद ऑटोमेटिकली जो पावरफुल मोड है यहाँ पर बंद हो जाता है एंड एसी जो है नॉर्मली काम करना स्टार्ट कर देगा, ऑटो मोड में जो है सिलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ ही टाइम के लिए आप जो है पावरफुल मोड का यूज कर सकते हो। पावरफुल मोड जो है लगातार काम नहीं करता है, ऑटोमेटिकली पावरफुल मोड जो है कुछ टाइम के बाद बंद हो जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर आप पावरफुल मोड और टर्बो मोड और रैपिड कूलिंग को जो है इनेबल करोगे तो जो एनर्जी जो है ज़्यादा कंज्यूम करता है क्योंकि यहाँ पर पावरफुल मोड को इनेबल करने के बाद जो एसी जो है जो कंप्रेसर है यहाँ पर मैक्सिमम कैपेसिटी में काम कर रहा है, फैन भी यहाँ पर मैक्सिमम कैपेसिटी में काम कर रहा है, इसलिए जो एसी है ज़्यादा जो है पावर को यहाँ पर कंज्यूम कर रहा है, इसलिए आपको ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल देखने को मिल सकता है। तो आपको यहाँ पर लगातार जो टर्बो मोड है इसे यूज़ नहीं करना चाहिए, रैपिड कूलिंग की यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे आपको जो है ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है लॉस होता है, आपको ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा। तो जब भी ज़रूरत हो तभी यूज़ करो, वरना जो है आप नॉर्मल मोड जो है उसे यूज़ कर सकते हो। नाउ कुछ कुछ एसी में अगर आप पावरफुल मोड को एनेबल करते हो क्योंकि फैन स्पीड जो है मैक्स रहता है इसलिए आपको जो है नॉइज भी देखने को मिल सकता है, बट जो नया मॉडल अवेलेबल है उसमें जो है पावरफुल मोड को और टर्बो मोड को एनेबल करने के बाद जो है शायद नॉइज देखने को ना मिले। तो यहाँ पर मॉडल टू मॉडल भी डिपेंड करेगा।
तो कुछ कुछ ऐसे में पावरफुल मोड को इनेबल करने के बाद नॉइज देखने को मिलता है। नाउ ये जो पावरफुल मोड है सिर्फ कूलिंग के काम में नहीं, यहाँ पर हीटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। स्पेशली यहाँ पर विंटर के टाइम आप जो है यहाँ पर पावरफुल मोड को इनेबल करके हीटिंग भी कर सकते हो। तो अगर जो है रूम को अगर जल्दी से गर्म करना है तो आप जो है हीटिंग मोड को भी यूज़ कर सकते हो, मतलब पावरफुल मोड के साथ भी आपको जल्दी से जो रूम जो है गर्म हो जाएगा विंटर के टाइम। तो यहाँ पर जो एसी जो है यहाँ पर समर के टाइम विंटर के टाइम भी यूज़ कर सकते हो, इवन बारिश के टाइम भी यहाँ पर एसी काम करेगा। तो अभी जो है साल भर आप जो है एसी की यूज़ कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। नाउ यहाँ पर जो पावरफुल मोड है इसे जो है हर टाइम यूज़ करना सही नहीं है, क्योंकि जो एनर्जी कंज्यूम करता है वो काफ़ी ज़्यादा करता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल मोड। आपको ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पावरफुल मोड को एनेबल करोगे तो एसी जो है 16 डिग्री टेम्परेचर में जो है यहाँ पर काम करेगा, 16 डिग्री टेम्परेचर को मीट करने की कोशिश करता है। एंड अगर आप यहाँ पर 1 डिग्री टेम्परेचर को जो है इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर 6% इलेक्ट्रिसिटी सेव होता है। तो आप समझ सकते हो 16 डिग्री टेम्परेचर जो है ज़्यादा जो है पावर को कंज्यूम कर रहा है एज़ कम्पेयर टू 24 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर अगर आप पावरफुल मोड को लगातार यूज़ करोगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है पर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगा। एंड यहाँ पर जो एसी है उसमें भी जो है इशू देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंप्रेसर जो है 100% कैपेसिटी में काम कर रहा है लंबे टाइम तक, तो यहाँ पर एसी के ऊपर भी जो है इशूज देखने को मिल सकता है। एंड कंफर्ट की अगर बात करें तो जैसे आपको बताया है पावरफुल मोड जो है लगातार काम नहीं करता है। पावरफुल मोड के साथ आप जो है कूलिंग जल्दी से कर सकते हो और जल्दी से रूम को जो है यहाँ पर गर्म कर सकते हो, बट कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली जो पावरफुल मोड जो है बंद हो जाके नॉर्मल मोड जो है देखने को मिलेगा, एंड जो टेम्परेचर है धीरे 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 जो है यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पर कंफर्ट के हिसाब से भी सही नहीं रहेगा, प्लस कंप्रेसर कूलर भी जो है काफ़ी ज़्यादा लोड देखने को मिलेगा, क्योंकि 100% कैपेसिटी में काम करेगा। लॉन्ग टाइम के हिसाब से ये जो पावरफुल मोड है इतना सही नहीं है, इससे जो है एसी के ऊपर जो है इश्यूज देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर पावरफुल मोड को आपको कब यूज़ करना चाहिए, नॉर्मली अगर आपके रूम में जो है ज़्यादा लोग है एंड काफ़ी ज़्यादा जो है गर्मी है, समर के टाइम 42 डिग्री सेल्सियस 43 डिग्री सेल्सियस व उससे ज़्यादा है, अगर आप जल्दी से रूम का जो टेम्परेचर है उसे अगर आप रिड्यूस करना चाहते हो तो आप जो है पावरफुल मोड को यूज़ कर सकते हो। एंड पावरफुल मोड को जो है लगातार यूज़ नहीं करना चाहिए, इसके साथ आपको जो है ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा एंड एसी के लिए भी सही नहीं है। एंड नॉर्मली मैं आपको रिकमेंड करूँगा पावरफुल मोड की यूज़ मत करना, आप सिंपली जो यहाँ पर ऑटो मोड है उसे यूज़ कर सकते हो एंड टेम्परेचर को सिलेक्ट करना 24 के आसपास, तो आपको यहाँ पर जो है सही कूलिंग के साथ साथ एनर्जी एफिशिएंसी भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर पावरफुल मोड जो है लगातार यूज़ नहीं हो सकता है, ऑटोमेटिकली एसी जो है नॉर्मल मोड में जो है स्विच करता है। अगर आपको जानना है किस तरह से एसी के साथ जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल को रिड्यूस कर सकते हो, उसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है बेस बाय लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। एंड वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो एंड डाउनलोड लिंक तो जरूर से चेकआउट करके देखना। एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।